कुछ भी नहीं, स्टंट वगैरह कुछ भी ना करो, हमारा काम है मतलब ये सब आप लोगों को दिखाएं, थोड़ा लोगों को समझाएं। इस ट्रेन में अगर जर्नी कर रहे हो, इस रूट में जर्नी कर रहे हो तो संभल के रहना। गुड इवनिंग, गुड नाइट, पता नहीं क्या बोल के मैं ब्लॉग पे स्टार्ट करूं। अभी हो रहा है रात का लगभग 10:30 बजने वाला है। तो हाँ, फिलहाल सामान मैं निकालता हूँ फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी ऑटो वाला अपना आ चुका है, तो फटाफट भागता हूँ मैं। रेडी है सब कुछ? यही मैंने रूम लिया था, देखो चित्तौड़गढ़ में बढ़िया 1400 रुपए का रूम मिला था हमें, और क्या चाहिए। तो लो जी, अभी लगभग रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए। अभी टाइम देख लो, 10:10 हो रहा है और ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ जंक्शन। बाकी इसी ऑटो से हम लोग आए थे, यही भैया थे जिन्होंने हमें सुबह से पूरा शाम तक घुमाया। भैया अपना नाम बता दो। अजीत भाई नाम है। तो अजीत भाई है नाम इनका, तो काफी अच्छा लगा भैया मिल गए। चलिए गुड नाइट। अभी एंटर करते हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के अंदर। अभी रात के हो रहे हैं लगभग 10:30 और हम लोग वापस से पहुंच चुके हैं। देख लो ये राजवाड़ी चाय, ये रही अपनी राजवाड़ी चाय। भले जिसका लोगो कॉपी हो यवले की तरह, लेकिन चाय है भैया, मतलब टच में तो है, थोड़ा दूर दूर तक नहीं लेकिन टच में है। तो हाँ, जब भी आप स्टेशन से बाहर निकलते हो तो देख लो आपको दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में राजवाड़ी चाय, और अगर एंटर करते हो तो राइट हैंड साइड में जरूर ट्राई करना यहाँ का। ये नॉर्मल कुल्लड़ वाली चाय 15 रुपए का है, लेकिन वर्थ। अभी ऐसा लग रहा है ना कि हमारा ट्रेन आ चुका है, तो वही जा रहे हैं हम सभी प्लेटफॉर्म के अंदर। ये सामने अपनी ट्रेन भी खड़ी है, देख लो। चलो जाते हैं इसके अंदर। ये सामने ही रहा अपना कोच भाई, हम सफर वाला कोच मिला है यार। तो ये देख लो, ये है चित्तौड़गढ़ का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे देखो रानी पद्मिनी का तस्वीर बनाया गया है, और अदरवाइज देख लो ये अपनी ट्रेन है। हाँ जी, तो अभी अपनी सीट पे तो आ गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का जो बुकिंग है वो 3rd AC में। और अगर मैं अपने ट्रेन की बात करूँ, आज हम लोग कौन से ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं भाई? मेन चीज बताए क्या, हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट गए ना, वीर भूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस। पहले ये ट्रेन केवल अपने उदयपुर तक चलती थी। okay. अभी रूट जो है अहमदाबाद तक एक्सटेंड हो गया, हाल ही में एक्सटेंड हुआ, और अभी ट्रेन को असरवा यानी अहमदाबाद तक एक्सटेंड कर दिया गया। डेली ट्रेन है, पहले भी खाली चलती थी, अब और महा खाली चलती है। और सबसे बढ़िया बात, बिफोर टाइम आ गई स्टेशन में। बिफोर भी चलती थी, टाइम बहुत दिया हुआ भाई। ट्रेन के बारे में बता दिया सत्या भाई ने। अब अगर मैं बात करूँ रूट का, तो मैं ऑन द वे या फिर सुबह सुबह बता दूंगा। लेकिन हाँ, हमें कोच काफी अलग सा मिला है। नो डाउट हम सफर का कोच है, आपने बाहर से देखा, थोड़ा बहुत चेंजेस है। अब वो क्या चेंजेस है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देख लो, ये अपना 3rd AC का कोच है, कुछ ऐसा है। देख लो, सबसे बढ़िया देख लो, जो मिडिल बर्थ और अपर बर्थ जाने के लिए जो बना हुआ है ना, वो काफी देख लो अलग सा हो गया है। जैसा होता है ना 3rd AC इकोनॉमी कोच में, थोड़ा बहुत उस टाइप का लग रहा है मेरे को। और सीट का तो कलर एकदम ही चेंज है, मतलब ये कवर देख लो एकदम ही डिफरेंट है। ऐसा सीट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, होता होगा लेकिन मेरा जर्नी फर्स्ट टाइम है। और कोच का भी कलर अलग है देखो थोड़ा सा। बाकी इसके अलावा देख लो, यहाँ पे वाटर बोतल होल्डर, और ये अपना साइड लोअर साइड अपर कुछ ऐसा है। एक चीज है देखो, ऐसे पहले का तो ऊंचा नीचा सीट होता है ना ये। हाँ हाँ, इसके लिए 3rd सीट आप निकाल के ऐसे फ्लैट उसके ऊपर डालो, वो फ्लैट करने के लिए। हाँ हाँ, ये फ्लैट करने के लिए, कमर नहीं टेढ़ी होती। ये काफी बढ़िया है। और एक चीज काफी बढ़िया लगा देखो, चार्जिंग सॉकेट तो चलो अलग बात है, यहाँ पे देख लो USB पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। चार्जिंग सॉकेट भी है और साथ ही आपको देख लो USB पोर्ट भी मिलेगा। ये लाइट काम कर रहा है ना? हाँ जी भाई, काम तो कर रहा है जबरदस्त एकदम। मिडिल बर्थ वाले के लिए भी देखो अलग से बना हुआ है चार्जिंग सॉकेट, ये अपर बर्थ वाले के लिए। अपर मिडिल ने दिया है, लोअर वाला दोनों संभाल। हाँ बाकी हाँ, यहाँ पे कर्टन्स वगैरह देख लो, इसका भी कलर काफी डिफरेंट है, बढ़िया है ओवरऑल तो मैं बोलूंगा। और ये सामने की तरफ देख लो एक मिरर, वो भी नीट एंड क्लीन एकदम। ये ऊपर देख लो, पहले बस ऐसा ग्रिल जैसा होता था, अभी नीचे भी देख लो एक ऐसा लगा दिया है। ये थोड़ा थोड़ा मेजर चेंजेस है, लेकिन काफी चेंज है। इसके अलावा देख लो, अंदर की तरफ एक स्क्रीन भी आपको मिल जाएगा, लाइक ट्रेन का स्पीड, नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको यही पता चलेगा। अभी अंदर में हमें दिखा डोमिनोज पिज्जा भी मिल रहा है। ट्रेन के अंदर आपको डोमिनोज पिज्जा वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अब इसके बारे में भी ना कुछ बात है जो मैं वीडियो में बने रहा आपको बताता हूँ, इसलिए हम लोगों ने इसको लिया है। कुछ बताना है, कुछ समझाना है, कुछ दिखाना है। देख रहे हो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो डोमिनोज पिज्जा बेच रहे हैं ट्रेन में। तो यहाँ पे अपने सत्या भाई भी आ चुके हैं, इनको पता था, इन्होंने मेरे को एक बार वार्न भी किया था कि मोहित इस रूट में अगर कभी भी सिंगल जर्नी करोगे, अकेले करोगे, तो डोमिनोज पिज्जा आएगा आपको रात में भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा संभल के। क्या होता है भाई यहाँ पे स्कैम भाई, ये जो अपने सबसे सस्ते पिज्जा मीनिया वाला होता है ना, 50-70 वाले। हाँ, वो 49-59 में जो आता है। अब ये तो 150 में देखे गया, उसकी खुशकिस्मत ही थी, वो 200 में देता है। अच्छा अच्छा, और चीज क्या है, वो आपको लगेगा छूने में डब्बा गरम गरम, अंदर का आपने तो माल और हाल देखा। ये देखो भाई, देखो ये एकदम, मतलब मैं बता रहा हूँ दोपहर का हुआ है, 11 बजे सुबह का हुआ है, एक साथ। इसका कुछ गारंटी नहीं, हो सकता है भाई कल का भी हो, इसको गरम कर करके। ब्रेड देखो ना,
एकदम ड्राई। देख लो अगर कोई डोमिनोज से देख रहा है तो इस रूट में मैं बता दूं, ये चित्तौड़गढ़ वाले रूट में, कौन से रूट में होता है भाई ज्यादातर, इसी वाले रूट में, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से आपका नीमच साइड एंड जयपुर साइड भी, अगर कोई देख रहे हो तो भाई देख लो भाई, ऐसा भी हो रहा है आपके साथ, ये खा के अगर कोई बीमार पड़े तो इनको तो कोई याद नहीं करेगा, ये सबसे पहले याद करेगा इसको। तो अगर डोमिनोज से कोई देख रहा है तो भाई हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। जब भी ऑर्डर करता हूँ एक आटा वाला पिज्जा, मुझे बहुत पसंद है, मैं यही ऑर्डर करता हूँ भाई। ये पिज्जा आप आइडिया लगा लो, देखो कुछ टॉपिंग्स नहीं है इसमें कुछ भी। ये भाई क्या है, चांद है ये कुछ नहीं गिरेगा, ना चीज गिरेगा ना कुछ गिरेगा, देख लो कुछ नहीं है भाई इसमें। देखो ये देखो ये देखो क्या सीन है, पिज्जा डोमिनोज का है कि नहीं है इसका भी एक डाउट है, लेकिन सबसे बड़ा बात ये पिज्जा आज का तो नहीं है, चीज भी अजीब सा लग रहा है, सुबह का वो तीन चार बार गर्म हो गया लग रहा है, डेंजरस है। स्टंट करने का शौक है तो ये खा लेना, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नहीं एकदम ही मत खाना यार, कुछ भी नहीं, स्टंट वगैरह कुछ भी ना करो, हमारा काम है मतलब ये सब आप लोगों को दिखाएं, थोड़ा लोगों को समझाएं भाई, बच के रहना यार ये सब चीज से, बीमार पड़ोगे ट्रेन में, ट्रेन जर्नी लंबा जर्नी कर रहे होगे, कुछ हो गया ऑन द वे, कोई बचाने वाला नहीं है। सच बता रहा है काफी खराब लगा मेरे को ये चीज देखकर, लोगों के हेल्थ के साथ कितना गंदा खेला जा रहा है सोचो, कुछ पैसों के लिए। सता भाई खराब लग रहा है ना, बच्चे ये सब देखकर ज्यादा जिद करते हैं, रात के 8-9-10 बजे हम ही लोग ले लिए, तो बच्चे का तो छोड़ ही दो। तो भाई अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, अगर इस टाइप का पिज्जा अगर रात के 10-11 बजे, मतलब अगर डोमिनोज का वो बंदा नहीं है, अगर ऐसे ही बेच, यूनिफॉर्म नहीं पहना, हाँ, और ऐसे ही बेचते हुए अगर वो मिल जाए तो भाई बिल्कुल भी मत लेना। डोमिनोज ने कभी भी ऐसा क्लेम नहीं किया है कि हम अपना काउंटर खोले या फिर पिज्जा बल्क में बेच रहे हैं, तो भाई देखना ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। बाकी ये मेरे को बताना था, समझाना था, जौहर है समझ लो, खुद ही कूदना आ गया। हाँ तो ये अगर आप ले रहे हो तो भाई बीमारी को दावत दे रहे हो भाई, फिर भी मैंने खाया है, मेरे को एक बाइट लेकर अजीब सा लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, बस रात में कुछ ना हो, जो होना है सुबह हो तब कम से कम डॉक्टर को दिखा पाएंगे। बाकी यही सब सीन था भाई, देख लो ट्रेन अभी तक सोचो स्टेशन से निकला तक नहीं है, अभी तक मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, फिलहाल इसको रखते हैं। इस ट्रेन में अगर जर्नी कर रहे हो, इस रूट में जर्नी कर रहे हो तो संभल के रहना। बाकी चलो ट्रेन अपना डिपार्ट कर चुका है, जय माता दी। टाइम देख लो रात के 11:54 में इसका निकलने का टाइम था। लो जी ट्रेन अपना निकल चुका है चित्तौड़गढ़ जंक्शन से, वो भी रात के लगभग 11:55 में। ये देख लो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, मस्त यहाँ पे देख लो खाना वाना सब कुछ मिल रहा है। बस एक दिन के लिए था चित्तौड़गढ़ में, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो चित्तौड़गढ़ से भाई हाय हेलो कर देना कमेंट सेक्शन में। चलो अब जाते हैं अंदर, काफी रात हो गया है, अभी लगा रहे हम लोग अपना बेड, और टाइम देख लो लगभग रात का 11:30 हो गया है, सोने का भी टाइम हो गया है। वैसे तो स्टेशन काफी सारा आने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। वैसे देख लो अभी अपना जो ट्रेन है ना वो अभी निम्बरा स्टेशन में रुका हुआ है, और यहाँ अपने ट्रेन का बस 1 मिनट का हॉल्ट है, और ये देख लो कुछ अपना स्टॉप है। अगर मैं अपने ट्रेन की बात करूँ ना तो देख लो अपना ट्रेन नंबर है 19316 वीरभूमि एक्सप्रेस। इसका जो डिपार्चर टाइम है चित्तौड़गढ़ से 10:40 का है। चित्तौड़गढ़ से निकलने के बाद इसका जो सबसे पहला स्टॉप आता है वो है निम्बरा, जहाँ पे अपनी ट्रेन अभी खड़ी है। इसके बाद है जवाद रोड, फिर नीमच, उज्जैन, देवास, फिर सुबह के 7 बजे हम लोग पहुंचेंगे इंदौर। तो ये कुछ अपने स्टॉप है, फिलहाल ट्रेन अपना निकल चुका है देख लो, और अभी मैं जाता हूँ सोने के लिए। अगर रात में कुछ अच्छा रहा दिखाने का तो जरूर दिखाऊंगा, अभी के लिए गुड नाइट। पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, और अभी जस्ट मैं सोकर उठा हूँ, और उठते ही सबसे पहले मैं गया था वॉशरूम, सोचा आप लोगों को वॉशरूम दिखाऊं, लेकिन भाई दिखाने वाले हालत में नहीं था। तो यही दिक्कत होता है 3rd AC में या फिर स्लीपर में ना, मतलब वॉशरूम काफी गंदा कर देते हैं लोग। वैसे बस हम लोग इंदौर पहुंचने ही वाला है, और यहाँ से मैक्स टू मैक्स 30-40 किलोमीटर होगा। बाकी सभी लोग मस्त एकदम सो रहे हैं, मैं भी सोया ही हुआ था, मम्मी ने कॉल किया तब मैं उठा अभी। बाकी सुबह सुबह का ये माहौल देख लो यार, क्या मस्त लग रहा है। वैसा देख लो यहाँ से इंदौर ज्यादा नहीं और बस 7-8 किलोमीटर ही रह गया है, और क्या बढ़िया सनराइज हो रहा है अभी देखो। बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं अभी। अगर आप अहमदाबाद, चित्तौड़गढ़ ये सब जगह से इंदौर आना चाहते हो ना, उसके लिए मेरे को बेस्ट ट्रेन लगा। रात में आराम से सो जाओ,
और एकदम अर्ली मॉर्निंग देखो अभी सब सो रहे हैं, मतलब हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं ना अभी सब सो रहे हैं। अभी लवली भी सो के ही है, बस हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। और मेरा क्या रहता है ना, जिस दिन मेरा ट्रेन है या फिर मान लो सुबह उठकर कुछ बढ़िया शॉट लेना है, ऑटोमेटिकली मैं उठ जाता हूं। लो जी ट्रेन अपनी निकल चुकी है, क्या बढ़िया सनराइज हुआ है यार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया ना पूरा फॉग फॉग हो रखा था, अभी देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अभी हम लोगों ने क्रॉस किया इंदौर स्टेशन, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर जंक्शन और यहाँ अपनी ट्रेन पहुंची है 10 मिनट बिफोर। अभी सब कोई सो रहा है तो फटाफट सबको उठाते हैं। श्रेयंस आ जा भाई, वो आ गया इंदौर। फाइनली हम लोग 10 मिनट बिफोर पहुंच चुके हैं इंदौर। और इंदौर में किस लिए आया हूँ ये तो मैं सोचा था इसी ब्लॉग में आपको बता दूंगा, लेकिन नहीं यार थोड़ा सरप्राइज रहने दो, काफी एक्साइटेड हूँ उसके लिए मैं। हालांकि मेरे को कोलकाता में मिल जाता हूँ लेकिन भाई 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद और मैंने कोई प्री बुक वगैरह भी कुछ नहीं किया था, समझ ही गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हाँ इंदौर में अवेलेबल था तो मैं बोला मेरे को जाना ही है इंदौर, तो वो रिसीव करते हुए ही चले जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इंदौर पहुंच गए और ऐसा पहुंचे कि सब सो ही रहे थे, बढ़िया वाला सनराइज वगैरह एंजॉय करते हुए पहुंच गए। मैं काम करता हूं ना, ये वाले वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, अपने इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूं मैं। और अगर मैं ट्रेन टिकट की बात करूं तो हम लोगों ने 3rd AC में अपना बुकिंग किया था, पर पर्सन वही 650 रुपये हम लोगों ने पे किया, 600 से 650 रुपये। ओवरऑल मैं बोलूंगा अच्छा जर्नी था, रात में हम लोग ट्रेन में सोए और सुबह आते आते तक स्टेशन भी आ गया, तो कुछ ऐसा दिखाने के लिए भी नहीं था ज्यादा। तो चलो ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera.